तो दोस्तों आज हम हीमोग्लोबिन टेस्ट करने के लिए ब्लड कैसे निकालते हैं उसका प्रोसेस जानेंगे हम। तो उसके लिए सबसे पहले हाथ को सीधा करते हैं, टाइट करते हैं। उसके बाद कॉटन स्प्रिट कॉटन होना चाहिए, उससे हम जो हैंड है उसको रब करेंगे, जैसे कि हम इसमें करने जा रहे हैं। और जो इंजेक्शन है उसे हम पहले देखेंगे टाइट है या नहीं है, पहले उसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। उसके बाद हम जैसे कि हम देख रहे हैं, पहले हम वेन को रब करेंगे कॉटन से, पहले हम वेन को रब करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि वेन कहाँ पे है, उस जगह को पहले फाइंड करेंगे उंगली से दबा के कि वेन कहाँ है। तो हम वेन देखने के बाद उसमें निडिल हल्का सा पिंच करेंगे, इतना पिंच करेंगे कि निडिल उसमें चला जाए, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे कि पहले हाथ को टाइट करके वेन में हम पिंच किए हैं, और पिंच करके उसको हल्का सा अपनी तरफ खींचेंगे जिसके ब्लड इंजेक्शन में आ जाए। इसके दोस्तों आप देख रहे हैं आ गया है। उसके बाद जहाँ से हमने पिंच किया उसमें कॉटन रखा, टर्निकेट खोल के हम हाथ को मोड़ लेंगे ताकि वहाँ से वेन से ब्लड फ्लो ना करे। उसके बाद हम उसे एडीटीए वायल में डाल लेंगे, जैसे कि हम डाल रहे हैं एडीटीए वायल में रखें। पहले हम उसे कुछ देर हिलाएंगे ताकि ब्लड अच्छे से मिक्स हो जाए और क्लॉटिंग ना हो। एडीटीए वायल ऐसा वायल है जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता है, बाकी वायलों में ब्लड क्लॉट होने का डर रहता है, इसलिए हम एडीटीए में ही ब्लड को रखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा हीमोमीटर या जिसे हम कंपैरेटर भी बोलते हैं वो है। इसमें हम एचबी टेस्ट करते हैं कि एचबी हमारे ब्लड में कितना है कितना नहीं है, तो इससे हमें पता चलता है। तो इसके लिए पहले हम N/10 एक सॉल्यूशन होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में ये N/10 है। इसे हम 3 ग्राम मतलब हीमोमीटर में जो, तो हम N/10 को ड्रॉपर से उसमें 3 ग्राम जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं 3 ग्राम तक उसमें हम N/10 डालते हैं, जो हम ड्रॉपर के साथ देखे हम डाल रहे हैं। तो हम N/10 सोल्यूशन 3 ग्राम से ही डालेंगे, 3 ग्राम से ज़्यादा नहीं डाल सकते ना ही 3 ग्राम से कम डाल सकते। पॉइंट एकदम नोट कर लीजिए दोस्तों, 3 ग्राम ही केवल डालते हैं हम, जैसे कि हमने 3 ग्राम डाल लिया उसमें। उसके बाद हम ब्लड को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और जैसे देख लीजिए हम ब्लड को मिक्स कर रहे हैं। दोस्तों ये हमारा एचबी पीपेट है, इसमें हम 20 मिलीलीटर ब्लड, एग्जैक्ट 20 मिलीलीटर ब्लड लेंगे। ब्लड 20 मिलीलीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 20 ml होना चाहिए। और अगर ब्लड एक्स्ट्रा आ गया हो पीपेट में तो उसे हम कॉटन की सहायता से रिलीज करेंगे बाहर। जैसे कि हमारा देखिए थोड़ा सा ब्लड ज़्यादा आ गया है, तो हम उसे कॉटन की सहायता से बाहर रिलीज करेंगे। तो जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं, हम जो ब्लड बहुत ज़्यादा आ गया तो उसे हम बाहर डिप करके निकाल रहे हैं। तो हमारे पास 20 ml ब्लड एग्जैक्ट हमारे पास मौजूद है। अब हम उस ब्लड को हम एचबी ट्यूब में निकालेंगे जिसमें पहले से N/10 था। तो जैसा कि हमने निकाल लिया है ब्लड को, अब हम उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे जैसे कि हमने कर दिया है, और हम उसे अब 6 से 8 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि जैसा कि हमने छोड़ दिया है मिक्स होने के लिए, उसके
6 से 8 मिनट बाद हम जो HB ट्यूब में हमने पहले से छोड़ा था उसमें हम डिजिटल वाटर मिलाएंगे और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे हिला के, और हम इसे तब तक मिक्स करेंगे जब तक हेमोमीटर में मौजूद पहले से जो फ्लूड था उससे हमारा ब्लड का जो हम फ्लूड मिला रहे वो मैच ना कर जाए। उसे हम अच्छे से मिलाएंगे, इसके लिए हमें काफ़ी प्रोसेस करना पड़ता है। हमको ऐसा नहीं कि हम एक ही बार में सारा हम डिजिटल वाटर डाल दें, इसे हम धीरे धीरे पहले थोड़ा सा डाल के उसके बाद अच्छे से मिक्स करके उसका कलर मैच करेंगे। नहीं मैच हुआ तो उसके बाद फिर हम दोबारा डालेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैच नहीं हुआ। उसके बाद हम फिर से डिजिटल वाटर लेंगे, उसमें डालेंगे, फिर उसके बाद डालने के बाद अच्छे से फिर मिक्स करेंगे। जैसे कि दोस्तों आपने देखा हमने मिक्स किया, फिर से मैच नहीं हुआ कलर, फिर से हम डिजिटल वाटर डाल रहे हैं, उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और यह प्रोसेस हम तब तक करेंगे जब तक हीमोमीटर में पहले से मौजूद फ्लूड से हमारा कलर मैच ना हो जाए। और यह हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमें ब्लड में हीमोग्लोबिन का काउंट पता चल सके। जैसा कि हम देखिए मिक्स कर रहे हैं, कलर मैच होने तक मिक्स करना है उसे अच्छे से। अगर हम अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तो हमारा कलर अच्छे से आएगा नहीं, उसे अच्छे से मिक्स करना है। तो दोस्तों अब हमारा कलर मैच हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं, और हमारा HB काउंट 13.6।